हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मलविंदर कौर। वेलकम है मेरे गार्डन में आपका और मेरे चैनल पे। और आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दूंगी कि मेरे गार्डन में अब कौन कौन से जो फ्लावर हैं वो खिल रहे हैं, और आई होप आपको पसंद होगा। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी करिएगा। लाइक या कमेंट करने से फ्रेंड्स, जो एक गार्डनर की हिम्मत बनी रहती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। शुरुआत करते हैं जी अच्छे अच्छे से सुंदर से फूलों के साथ, और पेंजी और ये डेंथस। उससे पहले मैं अपने जो है मैरी गोल्ड के कुछ फ्लावर्स हैं उनको दिखा देती हूँ, क्योंकि वो दूसरी साइड रहते हैं। तो बीच में थोड़ा दीवार का बनी हुई है दीवार, तो मैं उधर नहीं जा सकती, तो दूर से ही मैं दिखाऊंगी आपको। ये सारे मेरे मैरी गोल्ड के फ्लावर्स हैं, तो अब ये ख़त्म भी हो रहे हैं सारे फैन, सारे जो मेरे फ्लावर हैं, जो कि काफ़ी दिनों से ये खिले हुए थे और मैंने इनको ऐसे रखा हुआ था दीवार पे। तो ये कैलेंडुला का है, कैलेंडुला भी अच्छे से खिल रहे हैं अभी। तो अब शुरुआत जो हमारे डेंथस के सारे फ्लावर में आगे वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, ये फुल ब्लूमिंग पे हैं और 10 प्लांट्स हैं मेरे, और खूबसूरत एक से एक बढ़कर जो कलर है ये पेंजी और ये भी डेंथस हैं। डेंथस के सारे कलर्स हैं, पिंक कलर है और ये बिगोनिया है। बिगोनिया की जब मैंने प्लांट्स परचेजिंग करी थी तो दो जो प्लांट हैं इसके लिए थे मैंने, तो ये एक ये लगा हुआ है, एक दूसरी तरह वो अच्छे से काफ़ी अच्छे से चला हुआ है। और ये थोड़ा सा भी वीक है, तो क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं है और पॉट की कमी होने से ये ऐसे ही छोटे से एक प्लांटर में लगा दिया था। और ये भी डेंथस हैं, डेंथस के मैं एक आपको वीडियो शेयर कर चुकी हूँ केयर का भी, और बाकी इसका जो कलेक्शन है वो भी। ये बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं और प्यारे प्यारे कलर हैं, बस इनकी डेड हेडिंग्स हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे करते जाएंगे तो सारे फ्लावर जो हैं आपके खिलते जाएंगे। तो ये सारे पहले मैं डेंथस की कलेक्शन आपको दिखा देती हूँ थोड़ा। तो ये हैं कैलेंडुला, वो एक मैंने उधर रखा हुआ है मैरी गोल्ड फ्लावर्स के साथ, और ये एक कैलेंडुला का ये वाला जो मेरा प्लांटर है, इसके ऊपर आप देख रहे हो कितनी सारी ब्लूमिंग है और कितने सारे फ्लावर और भी खिल रहे हैं और कलियां भी बहुत सारी हैं। तो कैलेंडुला का बड़े अच्छे से सीड से भी ग्रो हो जाता है, मैंने सीड से भी इसके जो ग्रो करे हुए हैं और आगे कलियां बहुत सारी हैं। और ये है अलाइसम, स्वीट अलाइसम, ये भी मैंने सीड से ही ग्रो करे हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप इन फ्लावर्स को ज़रूर करिएगा, और इनमें बहुत अच्छे से भीनी भीनी सी एक फ्रेगनेंस आती है, बहुत ही सुंदर लगती है, बड़ी अच्छे से ये फ्लावर महकते हैं। और बस ये है क्रिसेंथमम, ख़त्म है ऑलमोस्ट सारे के सारे। तो आगे हैं मेरे पिटूनिया, सॉरी पेंजी, पेंजी के फ्लावर काफ़ी खिल रहे हैं अभी, तो इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और ज़्यादातर मैं इन फ्लावर्स को जो है बटरफ्लाई फ्लावर कहती हूँ, क्योंकि ये बटरफ्लाई की तरह ही लगते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये भी ब्लूम हो रहे हैं, और आज बरसात का मौसम बना हुआ है, बादल हैं ऊपर और थोड़ी थोड़ी सी किनमिन सी हो भी रही है, और इसलिए ये मेरे गजानिया नहीं खिले हैं। तो गजानिया का मैं एक वीडियो है आपके साथ, सीड से जो मैंने ग्रो करे हैं ये वो वाले गजानिया हैं, तो ये आज पूरी तरह खुले नहीं हैं फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए। तो ये है पिटूनिया, पिटूनिया के भी इस बार मैंने कम ही ऐड करे हैं, ज़्यादा फ्लावर्स मैंने इसके ऐड नहीं करे हैं। ये स्टार लाइट रेड और वाइट में है पिटूनिया। और नेक्स्ट जो मेरा फिर पिटूनिया है सिंगल, बड़ा प्यारा कलर है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो डिज़ाइनिंग है साइड के ऊपर बनी हुई है वाइट की क्रीम की, बहुत ही प्यारा लगता है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग है, और आगे आगे बहुत सारी कलियां बनती हैं, इसकी भी डेड हेडिंग्स है, और साथ साथ करते जाइए, लेकिन नहीं ये अपने आप ही गिरते जाते हैं वैसे तो। ये डबल पिटूनिया है, पिंक थोड़ा सा पीच कलर है, हंस खिला नहीं है ये भी। तो ये भी गजानिया, गजानिया तो आज बिल्कुल
बंद हो रखी हैं। और पैंजी, पैंजी एक येलो पर्पल और ये एक ये वाला कलर है, ये भी आज खिला नहीं है ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छे से ये भी खिलता है। ये वाला कलर है मैरून कलर, तो बड़ा प्यारा लगता है ये भी। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी डहेलिया की, तो बड़े अच्छे से हो गई है। वैसे तो इसकी फ्लावरिंग भी अब स्टार्ट होने लगी है, मैंने प्लांट्स लिए थे, ये कटिंग लगाई थी मैंने खुद। और ये गजानिया अगेन येलो कलर है, अभी खिलेगा, थोड़ी धूप भी आती जा रही है। और ये पैंजी है पर्पल कलर का, पर ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से खिलता है ये भी। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कुछ फ्लावर हैं अभी खिल रहे हैं। तो ये एक कलर है पैंजी का, पांच कलर है मेरे पास पैंजी के। ये लाइट पर्पल है पहले वाला जो डार्क है, और ये पिटूनिया भी आज नहीं खिला, और ये डबल पिटूनिया है पिंक कलर का, काफ़ी इसके ऊपर जो है अच्छा फ्लावर आता है डबल पेटल में पिंक कलर में, तो बड़ा अच्छा ये रोज़ की तरह, जैसे रोज़ होता है इसी तरह से खिलता है, इसे रोज़ पिटूनिया भी कहते हैं। तो ये गजानिया अगेन आज खुलने वाला था लेकिन मौसम की वजह से नहीं खुल पाया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये है मेरे गिलाडिया। गिलाडिया मैं आगे बहुत बार आपको शेयर कर चुकी हूँ कि बीज से उगाने बहुत ही इजी हैं गिलाडिया के, और अब भी आप बीज से इसे ग्रो कर सकते हैं। ये हमेशा आपके साथ चलने वाला प्लांट है, फूल देने वाला है, गर्मी हो या सर्दी, तो बड़े अच्छे से इसके फूल खिलते रहते हैं। तो आप इसे ऐड करिएगा। ये अगेन पैंजी, पैंजी है ये डार्क पर्पल में है, और ये देखिए आप क्लोज से, और ये डार्क हैं पर्पल, तीन हैं लेकिन डिफरेंट कलर हैं सबके। और ये गजानिया भी खुला नहीं है। तो ये अगेन मेरा है कैलेंडुला का, और ये बहुत ही प्यारा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। ये है पैशन का, और ये है और कैलेंडुला का, इसके ऊपर बहुत सारी ब्लूमिंग होती है। और ये बेगोनिया, बेगोनिया जो मैंने इकट्ठे लिए थे, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, वो थोड़ा प्लांट छोटा रह गया क्योंकि उसको स्पेस है जो कम मिल रहा है। तो ऐसे ही दोस्त, वो मेरा जी आज ओवरव्यू का वीडियो। तो लास्ट में मैं दिखा देती हूँ आपका लिलियम के फ्लावर। तो इसी से मेरा जो है आज का ये फर्स्ट ओवरव्यू ख़त्म करती हूँ, और तो नेक्स्ट टाइम आधा पार्ट इसका मैं फिर से बनाऊँगी, और इसमें मैं जो रोज़ वगैरह आपको दिखाऊँगी, अभी खिले नहीं है रोज़, तो बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी भी। मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं खिल रहे हैं। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। ओके जी, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।